You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, what's the time no more? Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long as you're dreaming. तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो, उनसे हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा माफ़ी जिन लोगों को मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दो चार दिन से वीडियोस नहीं आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार गाइज। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया था, मतलब मोनेटाइजेशन को लेकर, ये सारी चीज़ों एडसेंस को लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मुझे नहीं आता था, मुझे सीखना पड़ा वो सारी चीज़ें, और लाइव स्ट्रीम किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ा, क्योंकि मुझे आता नहीं था। बट अब से वीडियो रेगुलर आएगी और लाइव स्ट्रीम भी होगी। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूं, तो आके रोज़ देख सकते हो लाइव स्ट्रीम, आप शाम के 4 बजे से 7 बजे तक और रात के 9 बजे से 11:30 या 12 बजे तक। और इस वीडियो के बारे में बात करूं तो भाई साहब, मतलब जिस चीज़ में मेरी कमी है ना, मतलब जो मेरी बहुत ज़्यादा सस्ती है, वो है नेड। और भाई साहब, उसी की लड़ाई आपको देखने को मिलेगी इस मैच में। तो बिना बकवास के शुरू करते हैं इस गेम प्ले को, और इसी के साथ मैं उतर जाता हूँ रोजॉक में। और मेरे आसपास कोई भी बंदा नहीं उतरा, मतलब उतरे भी हैं तो थोड़ी दूर में उतरे, और मुझे उतरते के साथ AKM और M4 मिल जाती है। और भाई साहब, वेयर हाउस में उतर के दो लौंडा, पता नहीं किस किस लौंडे को पेल चुका है भाई साहब। बॉट था, लौंडा था, किसको पेले हैं दोनों मिलकर पता नहीं भाई साहब। और मैं इंतज़ार करता हूँ यहाँ से, मतलब सिर्फ शक्ल दिखा दो अपनी कि कौन हो तुम भाई साहब, उसके बाद तो हम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे यार। देख लो, आने वाले हैं वो लौंडे। और पहले लौंडे को तो भाई साहब झाड़ी में ही एडजस्ट कर देता हूँ। उसका दूसरा लौंडा पता नहीं क्यों भागे जा रहा था, भाई साहब के पास कवर भी था लेकिन नहीं, मतलब हनुमान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है लौंडा, उड़ने की कोशिश कर रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है। मैं बोलता हूँ भाई, तू उछल सकता है, उड़ नहीं सकता है, तो हनुमान बनने की ये जो अपने अंदर जो सोच है ना, वो बाहर निकालो, मतलब कहीं से कवर ले लेते। नहीं, लौंडा उछले जा रहा है, उछले जा रहा है। तो इन दोनों को तो आराम से मारते हैं भाई साहब, इन दोनों की जितनी भी चीज़ें होती है पेटी में लूटते हैं और चलते हैं भाई साहब। क्योंकि रोजॉक में कहाँ कहाँ पर लौंडे उतरे, पास आस पास में उतरे ही नहीं है, मतलब इधर उधर उतर गए हैं, तो चलते हैं ढूंढने के लिए कहां है लौंडे। और मैं सीधा पहुंचता हूं इस स्क्वाड हाउस में, तो पता चलता है नीचे से फुटस्टेप आ रही है, तो मैं नीचे देखने के लिए जाता हूं, तो ये एक बॉट होता है, मैं तो इसको मार देता हूं आसानी से, मुक्ति दे देता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, कभी आप लोगों ने TDM खेला है बॉट के साथ? मैंने खेला, यदि आप लोगों ने नहीं खेला तो खेलना भी मत भाई साहब, सीरियसली बोलता हूं। बहुत ज्यादा गंदा तरीके से मारते वो लोग, सीरियसली। एक बार तो तुम बंदे को मार दोगे, लेकिन भाई साहब ऐसी मूवमेंट बॉट की होती है TDM में, मतलब मूवमेंट तो छोड़ो, मतलब कहां से लौंडा तुमको मारेगा ना, मतलब कहीं से भी मारेगा भाई, एम बॉट होता है उनके पास, कहीं से भी मारेगा, सीधा हेड में लगेगा गोली तुम्हारे और तुम उधर ही ढेर हो जाओगे यार। मतलब 2-3 लौंडे एक साथ गोली मारेंगे तुमको, तो बहुत मारना मुश्किल होता है TDM में उन लोगों। कोई खेला है ना तो बताना अपने एक्सपीरियंस जरूर कॉमेंट सेक्शन में यार। और इसको मारने के बाद पता चलता है लौंडे जो है रोड के उस पार है, तो भाई साहब ओपन से जाऊंगा तो रस्ते में ही ठिल जाऊंगा, तो पास में बग्गी लगी होती है, तो मैं बग्गी उठाता हूं और सीधा हिल पे जाने की कोशिश करता हूं, मतलब पहाड़ी के ऊपर जाता हूं, लौंडे ढूंढता हूं कि है कहां आखिर, मतलब गोली वोली चल रही थी तो पता करता हूं कि आखिर में है किधर। तो पता चलता है फुटस्टेप आई है राइट की तरफ से, तो मैं देखता हूं किधर है लौंडे, तो दिख भी जाते, तो देखो कहां पेलते हैं उसको। अब इसको तो मैं आसानी से नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसको फिनिश करने का मेरा मूड नहीं था, मैं इसके दूसरे लौंडे को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन भाई साहब ये कवर लेने लगता है, तो मैं समझ जाता हूँ रिवाइव हो जाएगा, तो इसीलिए मैं फटाफट इसको पूरा का पूरा फिनिश करता हूँ। और इसके दूसरा लौंडा बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, कतई शक्तिमान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लौंडा उसको बता दिया कि मैं पहाड़ी के ऊपर हूँ, और उसके चाल देखो कहाँ से घूम के आ रहा है। मैं बोलता हूँ लोग फ्लैंक मारते हैं, ये लौंडा पूरा लंका मार के आया, मतलब इतना कम क्यों, जॉर्जोपुल घूम के आ जाते तब मारते, और भाई सब आसानी से मारा जाता, पता नहीं इसकी किस्मत खराब होती है। मैं उधर देखने के लिए जाता हूँ और लौंडा मुझे सीधा दिख जाता है, भाई सब आसानी से मारा जाता है। और अब तैयार हो जाओ, कतई नेड का है ना जहर सीन शुरू होने वाला है, सीरियसली बोलता हूँ, सीरियसली मैं, मतलब कतई उसने नेड फेंकना है, मैंने नेड फेंकना है, पता नहीं किसने नेड फेंकना है यहाँ पे। और भाई साहब
यहीं पे रोजॉक में ही होगा, लौंडे इधर भी और भी हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को सीन समझाता हूँ। मतलब देखो, जैसे मैं बग्गी यहाँ पे रोका और सामने जो घर दिख रहा है आपका, रेड कलर का जो घर दिख रहा है आपको सबसे दूर, रोजॉक का सबसे दूर वाला घर, उसमें दो बंदे हैं। उस दो बंदे बॉट फायर कर रहे हैं भाई साहब, दोनों के दोनों बॉट फायर कर रहे हैं कि कोई लौंडा उसके सामने बॉट समझ के निकले और वो दोनों आराम से उसको पेल दे। लेकिन मैं आसानी से जाता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब जाएंगे बग्गी उठाएंगे, सोच ही रहा होता हूँ कि जाएंगे निकलेंगे कहाँ पे लौंडे एग्जैक्टली हैं, देख लेता हूँ यहाँ से। लेकिन तभी पीछे कोई डासिया लेके आ जाता है, तो भाई साहब जा नहीं पाता हूँ। अब पीछे डासिया वाले को मारने के लिए जाता हूँ, देखो अब उसके बाद एक आध नेड फेंकने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद एक और डासिया आ जाएगी, तो वो सारी चीज़ें अभी देखो आप। अब सीन ऐसा है कि मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। मतलब मैं भागना भी यहाँ से चाहूँ तो मैं भाग नहीं सकता, मुझे मरना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे राइट में जो बंदा है उसके ऊपर हाइट का एडवांटेज है, प्लस वो नेड वेड भी फेंक रहा है, मतलब उसको मेरा पूरा लोकेशन का पता है। लेकिन उसके बावजूद मतलब मेरे लेफ्ट में भी अभी जो डासिया से गया वो भी मेरे ऊपर भी नज़र रख रहा है भाई साहब, और तीसरा लौंडा तो है ही, आपको बॉट फायर वाला दिख ही रहा होगा। तो अब तीन तरफ से मैं घिर चुका हूँ, तो भाई साहब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके कुछ ना कुछ करता हूँ। देखो और भाई साहब कतई जहर नेड, मतलब सीरियसली बोलता हूँ, इतना ज़्यादा कुक करता हूँ मैं नेड को, मतलब पूरे तरीके से पकाता हूँ और एग्जैक्टली वहीं पे फेंकता हूँ। मतलब मुझे ऊपर से फुटस्टेप आ रही थी, मतलब वो रेंगने की आवाज़ें आ रही थी कि लौंडा छत के ऊपर ही है, तो आराम से वहीं पे फेंकता हूँ और लौंडे को भागने तक का मौका नहीं मिलता है और उधर ही लौंडा फट जाता है। उसके बाद मुझे हाइट का एडवांटेज मिल गया, मतलब मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और भाई साहब मेरी जगह पर वो डासिया वाला लौंडा आ चुका है। उसके बाद का भी सीन देखूँ, और भाई साहब एक और बेहतरीन नेड, मतलब सीरियसली मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, जिसके नेड से मतलब लौंडे को डैमेज तक नहीं होता है, वो लौंडा आज फटे जा रहा है भाई साहब सीरियसली में। मतलब मुझे जैसे ही फुटस्टेप सुनाई देता है कि लौंडा घर के अंदर घुस रहा है, मैं दोनों तरफ नेट डालने की कोशिश करता हूँ, मतलब इधर आएगा तो इधर फटेगा, इधर आएगा तो इधर फटेगा, लेकिन लौंडा पहले ही नेट से ठिल जाता है। और भाई साहब सिर्फ एक बुलेट और लगती ना, शायद लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट होगा उसके पास, क्योंकि 3 से 4 बुलेट लगी है उसको, लौंडा नॉक नहीं हुआ। मतलब सिर्फ एक बुलेट मे भी और लगता तो लौंडा नॉक हो जाता, लेकिन वो होता नहीं है। फिर मैं वेट करता हूँ दूसरे लौंडा के, मुझे लगता है कि गाड़ी नहीं है, तभी एक बंदा पैदल भाग रहा है, लेकिन भाई साहब के पास गाड़ी होता है और गाड़ी लेते हैं, लौंडा लेके भाग जाता है, मतलब रुकता भी नहीं है। मैं डासिया उठा के जाता हूँ उसके तक ढूंढने की, वहाँ ढूंढता भी हूँ, लेकिन भाई साहब कोई मिलता नहीं है मुझे। तो मैं वहाँ से निकलता हूँ फटाफट, जोन के अंदर मैं भी पहुँचता हूँ, और मैं जोन के अंदर जा ही रहा होता हूँ कि बीच रास्ते में मुझे अपार्टमेंट मिलती है और अपार्टमेंट से फुटस्टेप भी आते हैं। तो मैं बोलता हूँ रुका जाए, क्योंकि लौंडे भी जोन के अंदर ही आएंगे, तो मैं आराम से डासिया लगाता हूँ यहाँ पे, रुकता हूँ, वेट करता हूँ कि लौंडे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जोन तो उसके ऊपर भी आ रहा है, तो लौंडे दिख रहे हैं भाई साहब आ रहे हैं। तो मैं बोला आओ आओ, और यहाँ पे जो होने वाला ना सीरियसली में कसम से बहुत मजेदार होगा। और मैं एक को नॉक करता हूँ, दूसरे को फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई साहब कवर में जाते हैं, और अभी देखना मतलब गाड़ी से क्या ही तबाही होगी। और भाई लोग कैसा लगा ये एक्शन जैक्सन, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, जिस तरीके से नीचे जा रहा था ना, मुझे लगा कि रोहित शेट्टी वाली गाड़ी बन गई, मतलब हवा में उड़ गई थी भाई साहब, वहाँ पे हील था तो। और भाई साहब मैं बोला नहीं, मैं इसको गाड़ी से ही मारूंगा, दोबारा मैंने घुमाया और भाई साहब ये इतना पैनिक, मतलब लौंडा M24 चला रहा था, पता नहीं होशियार था कि स्नाइपर था, कतई TDM का मैच समझ रखा था। और भाई साहब मेरे पास था Level 3 का हेलमेट, उसके कारण मेरे को कुछ होता नहीं है, मतलब हाँ थोड़ी सी हेल्थ जाती है, वो मैं हील कर लूँगा, बाकी मेरे हेलमेट वगैरह को तो कुछ होती नहीं है। और अब हो गया जोन बहुत छोटा, बच्चा है मेरे अलावा 5 बंदे।
बंदे। और भाई साहब मैं इधर ही रुक जाता हूँ, मैं देखता हूँ हाइट एडवांटेज है तो मैं इधर ही रुकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है एक डासिया और भाई साहब उसमें दो लौंडे होते हैं और दोनों एग्रेसिव खेल रहे होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एग्रेसिव कि लौंडे कहीं पे मिले तो सीधा घुसा देंगे गाड़ी वहाँ पे। अब देखो उससे फाइट होगी, क्या होता है आप देख लो खुद ही। और इसी के साथ मैं मारा जाता हूँ, मतलब दोनों के पास इतना ज़्यादा हाइट का एडवांटेज भी चला जाता है, प्लस एक लौंडा इधर से आता है एक लौंडा इधर से आता है, मैं बीच में फंसा प्राणी क्या ही कर सकता हूँ, तो आसानी से मारा जाता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो गए तो थोड़ा सपोर्ट दिखाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लो ताकि इस तरीके का मज़ेदार कमेंट्री वाला वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँच जाए, और मैं लाइव भी करता हूँ तो वो भी उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और डिस्क्रिप्शन पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा तो जाओ वहाँ पर फॉलो कर लो, मुझे बहुत सारे लोग वहां पे भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो आप भी आओ। आप कब आओगे, टीम में शामिल हो जाओ फटाफट, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने तमाम पबजी लवर्स के साथ। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।